हर हर महादेव। कैसे हैं दोस्तों, मैं प्रतिभा जोशी, आपका स्वागत है मेरे चैनल प्रतिभा जोशी ब्लॉग्स में। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे और मस्त होंगे। तो दोस्तों, आज मैं आई हूँ अपने मायके। आज कुछ बढ़िया सा स्पेशल डिश आज हम लोग बनाने वाले हैं, तो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। अभी देखते हैं हम लोग क्या क्या बना रहे हैं, अभी मैं आपको दिखाती हूँ। तो आज मैं यहाँ पे आई हूँ, आप लोगों को मेरी शक्ल से ही खुशी का अंदाज़ा दिख रहा होगा, मायके आने की खुशी। तो आज मैं पहुँच गई हूँ यहाँ पे, बढ़िया मौसम हो रहा है, बारिश लेके आई हूँ इनके लिए। आ गई थी फिर उसके बाद धूप आ गई, अब इसमें मेरी कोई गलती नहीं है क्योंकि घर पहुँचते ही बारिश के छींटे पड़ गए थे मेरे शुभ कदमों के साथ में, और अभी धूप आ गई है तो ऐसा कुछ हो रहा है, इसके लिए क्या कर सकते हैं हम लोग। तो चलिए मैं आपको अभी दिखाती हूँ मैं क्या बना रही हूँ। ये देखिए, प्याज छील के रख दिए हैं मम्मी ने, अब प्याज कट रहे हैं यहाँ पे। ये देखिए दोस्तों, हम बना रहे हैं आज पनीर। तो उसके लिए हमने सामग्री तैयार कर दी है, प्याज कट चुका है बढ़िया एकदम शेप में, और टमाटर भी कट गए हैं एकदम लाल लाल टमाटर हो रहे हैं। मिर्च हम लोग कम ही खाते हैं तो कम ही डालेंगे मिर्च। ये पनीर है, बड़े बड़े पीस अच्छे लगते हैं हम लोग को, तो हम लोग बड़े बड़े पीस काट रहे हैं, कोई कोई छोटे भी काटते हैं, किसी को छोटे में टेस्टी लगता है। बोलते हैं कि अगर साइज़ कोई बड़ा काटता है तो उसको अलग ही टेस्ट आता है बड़े काटने में, लोगों का बोलना ऐसा होता है। तो हम लोग को, हम ये वाली शेप में काटते हैं तो हमें ज़्यादा अच्छा लगता है। तो दोस्तों, अभी मेरे लिए बन रहा है पनीर, बढ़िया चिली पनीर हम लोग बना रहे हैं। तो मैं रेसिपी आपके साथ शेयर कर ही रही हूँ, आपने देख लिया होगा तैयारियाँ हो गई हैं। पनीर ले आए हैं हम लोग, पनीर कट हो रहा है, प्याज व्याज कट कर लिए हैं। अब मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे हम लोग बनाते हैं। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं और देखते हैं। ये कुछ अलग स्टाइल से आज हम लोग बना रहे हैं। ये है बेसन, तो बेसन को हम थोड़ा सा घोलेंगे पानी में पहले, इसमें लम्स नहीं आने चाहिए, बढ़िया से इसे घुमा लेंगे पानी डाल के थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का। और फिर उसके बाद देखिए हम क्या करते हैं, कम कम पानी डालना है और इसमें लम्स ना आए, तो इसलिए इसको बढ़िया से हिला लें। हमने थोड़ा सा और बेसन ऐड कर दिया है क्योंकि हमको लग रहा है कि बेसन की क्वांटिटी जो है इसमें कम हो चुकी है करके, तो इसलिए हमने और ऐड कर लिया है इसमें। तो देखिए अभी इसमें और लम्स हटा लेंगे हम, बढ़िया से इसे घोल लेंगे और फिर बढ़िया चिली पनीर बनाएंगे। आप लोग ऐसी बने रहिए और देखते रहिए कैसा बनता है स्वादिष्ट भोजन। ये देखिए, अब हम कढ़ाई हमने रख दी है, अब इसमें मैं डालूँगी तेल और अब हम इसमें करेंगे पनीर फ्राई। तो चलिए फिर आपको दिखाते हैं क्या क्या करेंगे, कैसे कैसे करते हैं। ये देखिए, अब हमने बेसन घोलने के बाद इसमें डाल दिया पनीर और इसको घुमा लिया है।
बढ़िया से एकदम बेसन लग जाना चाहिए सारे पनीर के जो हमने कट करे हुए पीसेस उसमें। ये देखो ये टमाटर और मिर्च जो काट के रखी थी, अब इसे ग्राइंड कर लेंगे और इसमें लहसुन भी डाल देंगे 4-5 पीसेस। फिर उसके बाद इसे ग्राइंड कर लेंगे, फिर देखते हैं कैसा इसका फ्लेवर आता है, कलर आता है और कंसिस्टेंसी क्या रहती है। ये ग्राइंड कर दिया है मैंने, अब यहाँ पे पनीर इसमें डाल दिया है और इसके बन गए पकौड़े बढ़िया से। ये देखिए दोस्तों एक रेसिपी हमारी ये तैयार हो गई है, बढ़िया पनीर पकोड़े ये खा सकते हैं हम लोग सॉस के साथ, चटनी के साथ। और ये एक साइड रख दिया है मम्मी ने चावल, और ये देखिए यहाँ मम्मी की तैयारी होने लग गई है बढ़िया। ये है मेरी मम्मी, हेलो बोल दो मम्मी। हेलो हाय। ये देखो दोस्तों मम्मी अब सलाद काटने लग गई है बढ़िया, यहाँ पे बढ़िया हरे हरे खीरे, यहाँ फ्रेश सब्जी मिलती है क्योंकि यहाँ पास में ही लोगों के खेत हैं तो वो लोग यहाँ पे खरीदते हैं, खेत ले लेते हैं लगाने के लिए सब्जी वब्जी, तो वहाँ पे ये लोग भिंडी लगा लेते हैं, खीरा लगा लेते हैं, तो ये हो जाता है आसानी। वहाँ से ये फ्रेश तोड़ के चौराहा है यहाँ पे आगे, तो वहाँ पे फिर बेचते हैं सब्जी, तो हमें यहाँ पे फ्रेश खाने को मिल जाती है सब्जी बढ़िया एकदम। वरना बाज़ार से लो तो बासी होती है, वो लोग मंडी से लाते हैं, मंडी में पहले आती है तो उतना फ्रेश नहीं रहती है, तो ये बहुत फ्रेश यहाँ पर हमें खाने को मिल जाती है, ये अच्छी चीज़ यहाँ की हो जाती है। तो अब आपको आगे दिखाते हैं, पनीर पकोड़े बनके रेडी हो गए हैं और मैंने तो एक टेस्ट भी कर लिया है, तो देखिए कितने ज़बरदस्त हैं, बढ़िया एकदम टेस्टी हो रहे हैं खाने में भी, तो आप लोग भी ज़रूर बनाइए। हम लोगों ने तो बना के एकदम रेडी कर लिए हैं और मैंने खा भी लिया है, बहुत ही टेस्टी है। तो दोस्तों अभी एकदम पनीर हमने फ्राई कर लिए हैं, एक डिश हम लोगों ने खा भी ली है वो है पनीर पकोड़े बढ़िया सॉस के साथ, और बिना सॉस के साथ भी खाओ तो वो भी अच्छे हो रहे हैं क्योंकि उसमें हमने थोड़ा सा नमक ऐड कर दिया था, तो वो बहुत ही टेस्टी हो रहे हैं और एकदम क्रंची बने हुए हैं जैसा कि आप लोगों ने देखा ही होगा। वैसे तो ये होता है कि जितने बार भी जब भी हम यहाँ आते हैं तो पनीर तो बनता ही बनता है और रायता तो बनता ही है और खीर, तो खीर भी बनती है, रायता पनीर ये तीन चीज़ें तो बनती हैं, कंपलसरी हैं, आप ये बोल सकते हैं कि जब हम आएंगे तो बनानी ही होती है मम्मी को। क्योंकि एक तो ये बात है कि हम लोग वेजिटेरियन हैं तो वेजिटेरियन की कोई ऐसे फेवरेट डिश तो कुछ होती नहीं है, तो यही होती है एक सबसे अच्छी चीज़ जो है पनीर, हेल्दी भी है इस वजह से वेजिटेरियन का ये फेवरेट भी होता है, तो ज़्यादातर लोग ये हैं जो वेजिटेरियन हैं ये लोग वो लोग पनीर खाते ही खाते हैं, तो ये मेरा भी फेवरेट है, तो हम लोगों को मज़ा आता है जब भी यहाँ आते हैं फ्राइड राइस के साथ चिली पनीर और रायता खीर ये तो बनती ही बनती है। तो अभी बन रही है, चलो अब आगे दिखाते हैं कैसे कैसे बनती है। ये दोस्तों प्याज बढ़िया फ्राई हो रहा है अभी, तो ब्राउन जब तक नहीं हो जाता तब तक आप इसे चलाते रहिए,
ज़्यादा भी इसे पकाना नहीं है, थोड़ा बहुत हल्का बहुत चिली पनीर में जैसा रहता है बस इतना, थोड़ा बहुत हल्का बहुत कलर इसमें आने लग गया है तो अब इसे निकाल देते हैं। ये देखिए दोस्तों, सब कुछ फ्राई होने के बाद सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो ये है कि आप लोग तेल कम कर दीजिए, क्योंकि आजकल आप लोगों को पता है कम से कम तेल में आप लोग खाना बनाएंगे तो हेल्दी रहेंगे। अब इसमें जो ग्राइंड करे थे टमाटर और मिर्च लहसुन वो इसमें डाल दिया है, और ऊपर से आपके पास जो भी मसाले हैं वो डाल दीजिए, पनीर मसाला है तो वो भी आप डाल सकते हैं अपने स्वाद के अकॉर्डिंग, और इसे चला लीजिए, और जब तक ऊपर से तेल नहीं आ जाता बढ़िया ये पक नहीं जाता तब तक आप इसे पका लीजिए। और इसमें हींग भी डाल दीजिए, उससे टेस्ट और बढ़िया सा आ जाएगा। और फिर नमक डाल लीजिए, मसाले जो भी होते हैं वो आप डाल लीजिए अपने अकॉर्डिंग। ये देखिए अब इसमें हमने जो प्याज फ्राई करके रखे थे वो भी डाल दिए हैं, ये देखिए इसमें हम हल्का सा विनेगर डालेंगे और सोया सॉस, सबसे पहले हम डाल रहे हैं सोया सॉस। ये देखिए इससे बढ़िया सा टेस्ट आ जाता है, और इसे घुमा लीजिए बढ़िया, और कलर भी बहुत ही बढ़िया आ जाता है जैसे कि आप देख रहे होंगे ऐसा। अब इसमें विनेगर डाल लीजिए इतना सा, और इसे चला लीजिए। ये देख सकते हैं आप कलर कितना अच्छा आ गया है इसमें, सोया सॉस और विनेगर एकदम बढ़िया काम कर देते हैं। ये देखिए दोस्तों बढ़िया ड्राई हमने बनाया हुआ है, क्योंकि हम लोग को ड्राई पसंद है तो ड्राई ही बनता है, और वैसे भी चावल के साथ खाने में फ्राइड राइस के साथ खाने में इसी में मज़ा आता है। आज फ्राइड राइस नहीं बनाए, आज सिर्फ चावल बनाए हैं, क्योंकि ये बेसन पकौड़ी हमने बनाई है इसमें हैवी हो जाएगा। तो दोस्तों आप लोगों को हमारी रेसिपी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, अगर अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा हमारी वीडियो को, और अच्छे अच्छे कमेंट्स कीजिएगा। बहुत टेस्टी हो रहा है खाना, बहुत बढ़िया हो रहा है, आप देख सकते हैं कितना बढ़िया इसमें कलर आ रहा है। और इसके साथ हैं अभी चावल, हमने फ्राइड राइस नहीं बनाए क्योंकि हैवी हो जाता है, इतना हैवी खाने की आदत भी नहीं है, क्योंकि हमने ये पहले ही आप लोगों को दिखाया है पनीर एकदम बढ़िया सा बेसन में फ्राई करके पनीर पकोड़े पहले हमने खाए, और फिर उसके बाद अब पनीर चिली पनीर खा रहे हैं। तो देखिए बढ़िया चिली पनीर है, यहाँ पे दही है और चावल है, तो मज़ा आ रहा है बहुत, आप लोग भी आइए। दोस्तों हमारी बढ़िया भैंस भी आई है, घी भी मम्मी ने डाल दिया है जवाई जी के उसमें, क्योंकि आप लोगों को पता ही है जवाई जी भगवान का रूप होते हैं, और जिस दिन जाते हैं अपने ससुराल तो ऐसी भर भर के मिलता है, मेरे उसमें नहीं डाला घी देखो तो ऐसा हो जाता है। तो आप लोगों को कैसा लगा, मज़ा आया हमारा ब्लॉग कैसे लगे, हमने बढ़िया बढ़िया चीज़ें आपको बना के दिखाई हैं, अभी हम लोग खा रहे हैं, मम्मी यहाँ पे बैठी है, मम्मी रोटी खाती हैं, मम्मी रोटी खा रही है, और हम लोग चिली पनीर और चावल और दही खा रहे हैं। तो आप लोग ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए, हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और जो लोग हमारी वीडियो में नए हैं प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हर हर महादेव।